आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज पेप टीवी। अरवरोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। औराई के त्यूरी में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। औराई के सरौली निवासी लालता प्रसाद का 30 वर्षीय पुत्र हिंचलाल बाइक से अपने ससुराल बसंतापुर गया हुआ था। रात करीब 8 बजे लौट रहा था। त्यूरी गांव के समीप पहुंचा, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। बाइक चला रहा हिंचलाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उगापुर के सरौली निवासी हिंसलाल राजगीर का काम करता था। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो कोहरा मच गया। 8 साल पहले हिंसलाल की शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया था। डीग ब्लॉक के मणिपुर इटहरा उपरवार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गिरजा देवी पर ग्रामीणों ने गर्भवती महिलाओं व बच्चों का राशन हड़पने का आरोप लगाया है। मणिपुर इटहरा उपरवार निवासी पंकज कुमार ने गांव की रीना देवी, सुशील पाल, रामधनी, संजय, संगीता पाल व सुषमा पाल के हस्ताक्षर युक्त पत्र लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे। दिए गए शिकायती पत्र में पंकज कुमार ने बताया कि इलाके की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कई कई माह का राशन हड़प रही है और फर्जी रजिस्टर तैयार कर लिया जाता है। पिछले दिनों भी राशन न देने पर ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी। मणिपुर इटहरा उपरवार के ग्रामीणों ने राशन हड़पने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गरीबों का राशन हड़पने वाले कोटेदार की शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों के सामने कार्डधारकों ने शिकायत की झड़ी लगा दी। जांच टीम के सामने मौजूद कार्डधारकों ने मनमानी करने वाले कोटेदार की दुकान को निरस्त करने की मांग की है। मामला सूर्यामा ब्लॉक के ग्राम सभा कैड़ा का है। गांव के मंगरू राम सरोज, पंकज सरोज, विकास सरोज, रामलाल सरोज जैसे कार्डधारकों ने कोटेदार महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि अंगूठा लगाकर राशन नहीं दिया जाता है और कुछ लोगों को यूनिट से कम राशन दिए जाने का भी कार्डधारकों ने आरोप लगाया था। जांच के लिए शुक्रवार को गांव के प्राथमिक विद्यालय पर भदोही पूर्ति विभाग से एआरओ रुचि सिंघल व लिपिक कौशलेंद्र यादव पहुंचे थे। मौके पर बड़ी संख्या में कार्डधारक भी पहुंच गए थे। कार्डधारकों ने कोटेदार के खिलाफ शिकायतों की झड़ी लगा दी थी। खुर्रम की 10वीं तारीख के तीसरे दिन शुक्रवार को औराई के घोसिया में तीजे का मेला सजा था। मेले में जहां सैकड़ों दुकानें सजी थीं, वहीं दूर दराज से बड़ी संख्या में मेला देखने लोग पहुंचे थे। आड़े में मोहम्मद कलीम सहित दर्जनों कलाकारों ने खूब करतब दिखाए। घोसिया के चमनगन तकिया में तीजे का यह ऐतिहासिक मेला हर साल मुहर्रम के तीसरे दिन तीजा के मौके पर सजता है, जिसमें अखाड़े के लोग भी पहुंचते हैं। जहां मेले में तारिक अहमद, सिराज अहमद, इदरीस, पुल्लू खलीफा, नवाब खलीफा समेत कई लोगों को साफा बांधकर सम्मानित भी किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर औराई पुलिस भी मुस्तैद रही। इस मौके पर जुलूस भी निकाला गया था। जुलूस चमनगन मेन मार्केट होते हुए मौलाना अब्दुल फाजिल शाह के मजार पर पहुंचकर समाप्त हुआ। भदोही जिले के मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। फिलहाल अभी भदोही जिले से बारिश रूठी नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। तापमान में गिरावट के साथ बादल युक्त मौसम के साथ हल्की फुल्की बारिश भदोही जिले में हो सकती है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि फिलहाल अभी भदोही जिले में अच्छी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उधर शुक्रवार को भदोही जिले के कुछ इलाकों में झमाझम जहां बारिश हुई है, तो वहीं अधिकतर इलाकों में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जो चेतावनी जारी की है, उससे किसानों के माथे पर बल पड़ गए हैं। भदोही की एक और बेटी दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई है। दहेज लोभियों ने भदोही की बेटी को मार दिया है।
विवाहिता बेटी का शव जब उसके मायके पहुंचा तो पूरे गांव में मातम पसर गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के खरकपुर गांव का है। विजय शंकर ने अपनी पुत्री कोमल यादव की शादी वर्ष 2020 में सूर्यामा के सहोदरपुर कुसौड़ा निवासी कांता प्रसाद के बेटे श्यामधर यादव के साथ की थी। विजय शंकर के मुताबिक शादी के बाद से ही कोमल यादव के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। कुछ दिन से फोन पर बात भी नहीं करने दे रहे थे। श्यामधर यादव उनकी बेटी कोमल यादव को लेकर गुड़गांव में रह रहा था, जहां दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। विजय शंकर की तहरीर पर गुड़गांव में मुकदमा भी दर्ज है। पोस्टमार्टम के बाद जब शव ज्ञानपुर के खरकपुर गांव पहुंचा तो कोहरा मच गया था, भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भदोही सूर्यामा रोड के अकेलमा पेट्रोल पंप के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए हैं। सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के पायलट गौतम कुमार व EMT राधेश्याम ने घायल बाइक सवारों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। बरसठी इलाके के आलमगंज निवासी 24 वर्षीय सरफराज अंसारी व 16 वर्षीय फैसल अंसारी एक बाइक पर सवार होकर भदोही की तरफ जा रहे थे। बाइक जैसे ही नयपुर पिपरिस पेट्रोल पंप के समीप पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया था। औराई के सहसेपुर कठारी गांव में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 5 लोगों को चोटें आई हैं। सहसेपुर कठारी निवासी बेचूलाल व बलिराम के परिवार वालों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चला आ रहा है। दोनों पक्ष आपस में पटीदार बताए गए हैं। जमीनी विवाद को लेकर मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। रात करीब 8 बजे दोनों पटीदारों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बलिराम पक्ष ने बेचूलाल के परिवार वालों पर हमला कर दिया। हमले में बेचूलाल, श्यामा देवी, रोशनी, रागनी व 13 साल का रामू नामक बच्चा घायल हो गया है। यादव बस्ती के लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया है। बेचूलाल ने इस मामले में औराई पुलिस से शिकायत की है। DM विशाल सिंह ने जिले के 2 डिप्टी कलेक्टरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। ज्ञानपुर में तैनात उपजिलाधिकारी न्यायिक आकाश कुमार को औराई का न्यायिक उपजिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि औराई तहसील में रहे न्यायिक उपजिलाधिकारी शिव प्रकाश को न्यायिक उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर बनाया गया है। जिले के 2 डिप्टी कलेक्टरों के कार्यक्षेत्र में DM विशाल सिंह ने बदलाव किया है। सूर्यामा थाना इलाके के भोरी गांव निवासी कमला देवी ने SP कार्यालय पहुंचकर सोने की चेन छीनने वाले बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि लगभग एक हफ्ता पहले वह शाम 7 बजे अपने बेटे के साथ बाइक से मोड़ के पुरानी बाजार की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में एक हॉस्पिटल के समीप 2 अज्ञात बाइक सवार पहुंचे और सोने की चेन छीनकर भाग गए, जिसकी शिकायत डायल 112 सहित कोतवाली पुलिस से की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमला देवी ने SP को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से पेयजल संकट घरा गया है। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल परिसर में ठंडे पानी के लिए कई RO वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में लगे सभी वाटर कूलर खराब हो गए हैं। कुछ वाटर कूलर नगर पालिका परिषद भदोही तो कुछ सांसद निज से लगाया गया था, जो अब शोपीस बन गए हैं। मरीजों के साथ आने वाले तीमारदार इस भीषण गर्मी में ठंडे पानी के लिए तरस रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार मौन साधे बैठे हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मूसी लाटपुर के बनियापुर गांव में कुछ लोगों ने एक गरीब का टीन सेट गिरा दिया है। विरोध करने पर महिलाओं को गाली गलौज देते हुए थप्पड़ मारा गया है। ऐसा ही कुछ आरोप लेकर मूसी लाटपुर बनियापुर पाही निवासी मथुरा पाल भदोही कोतवाली पहुंचे थे। कहा कि उनके मकान के बगल में भेड़ बकरी पालन के लिए एक मढ़ा लगा था, जिस पर वह टीन सेट लगा रहे थे। गाँव के ही पन्ना यादव, अंबिका, श्याम सुंदर, राम अवध, अनिल यादव जैसे लोग पहुंचे और गाली गलौज देते हुए टीन सेट को गिरा दिया। विरोध करने पर महिलाओं को मारा पीटा गया है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मथुरा पाल ने कार्रवाई की मांग की है।
भदोही तहसील के कुरैया की रहने वाली सुनीता देवी, रामशीला देवी, मंगला देवी, साधना देवी व मीना देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उनके मकान के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार गया है। बारिश के मौसम में हवाई विद्युत प्रवाहित हो रही है, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। कुरैया गांव से पहुंची महिलाओं ने डीएम को पत्र देते हुए मकान के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार को हटवाए जाने की मांग की है। बनवासी बस्ती तक जाने वाले रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। रास्ते को तोड़कर खेत में मिला लिया गया है। अब दबंग बनवासी को गांव छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मामला ज्ञानपुर के देवाजितपुर गांव का है। देवाजितपुर निवासी राजेंद्र साहब अवश्य जैसे बनवासी समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि बनवासी बस्ती तक जाने वाले रास्ते को गांव के दबंगों ने अपने खेत में मिला लिया है। रास्ते का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया है, जिससे बनवासी बस्ती के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीएम को पत्र सौंपते हुए बनवासी समाज के लोगों ने रास्ता बनवाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया मोहल्ले में मौजूद कालीन उद्योग सरकारी समिति लिमिटेड की खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। मामला डीएम कार्यालय तक पहुंचा है। हिम्मतपुर बकुचिया निवासी राम किशुन बिंद ने डीएम कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मोहल्ले में मौजूद सरकारी जमीन पर रमेश चंद पटेल, सुजीत पटेल, सूरज पटेल जैसे लोग जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, जबकि मामला एसडीएम न्यायालय में भी विचाराधीन है। रामकिशुन बिंद ने शिकायती पत्र देते हुए सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण को रोके जाने की मांग की है। ज्ञानपुर ब्लॉक के चौरा कला भैरवपुर गांव में ग्राम देवता की पूजा पाठ की गई है। हर साल ग्राम देवता के मंदिर पर यह पूजा पाठ की जाती है। शुक्रवार की सुबह 9 बजे से मंदिर पर पूजा पाठ शुरू की गई। पूजा पाठ के बाद भक्तों ने खूब रंग अबीर गुलाल उड़ाए। ग्रामीणों ने मटका व धर्म ध्वजा लेकर गांव का भ्रमण किया। ग्राम सभा के कोने कोने में लगभग 25 झंडे लगाए गए। इलाके के लोगों ने बताया कि गांव की रक्षा, खुशहाली व समृद्धि के लिए हर साल ग्राम देवता की पूजा पाठ की जाती है। ग्राम देवता लठिहारी वीर मंदिर पर काफी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। इस मौके पर राम खिलावन पासी, गोविंदा पासी, चंद्रिका पासी, मानिक चंद, दिनेश सिंह, संतोष यादव व सुरेश सिंह आदि मौजूद रहे। भूजल सप्ताह के तहत शुक्रवार को ज्ञानपुर में डायट प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया। रैली जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ज्ञानपुर से निकाली गई थी। संस्थान के प्रचार राजेंद्र प्रसाद यादव की देखरेख में यह रैली निकाली गई थी। रैली डायट परिसर से हॉस्टल चौराहे तक पहुंची थी। छात्र छात्राएं हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली में राजीव सिंह, विकास चौधरी, डॉक्टर स्मिता सिंह, अनामिका तिवारी, सुनील कुमार, संजीव सहित प्रशिक्षु छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भदोही शहर के घमापुर निवासी गुलाब चंद ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए लेखपाल व पुलिस पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। गुलाब चंद ने शिकायती पत्र भेजते हुए कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बावजूद विपक्षियों के इशारे पर विवादित जमीन पर कब्जा करा दिया गया है। शिकायती पत्र भेजते हुए गुलाब चंद ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। कहा कि उसकी एक जमीन घमापुर में मौजूद है, जिस पर जबरन कब्जा करा दिया गया है। शुक्रवार को ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। जिला सेवा योजन, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व कौशल विकास मिशन के तहत इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। रोजगार मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया था। मेले में कुल 7 निजी कंपनियां पहुंची थीं। 500 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। 350 ने इंटरव्यू दिया, जिसमें से 140 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर दिया गया। लेटर पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर रश्मि सिंह, शिवप्रकाश मिश्रा, ऋचा सिंह, लव कुमार मिश्रा, लायक हुसैन, अनिल कुमार मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, शहर से गली मोहल्ले नगर चट्टी चौराहे की हो कोई समस्या, आप हमें फोन कर सकते हैं। या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।